बैद्यनाथ धाम। झारखंड में बैद्यनाथ धाम संथाल परगना प्रमंडल के देवघर में स्थित है। 21 मंदिरों की विशेषता वाला यहाँ का शिवलिंग बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत है। स्वाभाविक रूप से तो यहाँ के ज्योतिर्लिंग से भी कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय क्षेत्र में तपस्या कर रहा था। उसने अपने 9 सिर शिव को अर्पित कर दिए। जैसे ही वह अपने 10वें सिर का बलिदान देने वाला था, शिव उसके सामने प्रकट हुए और भेंट से संतुष्टि व्यक्त की। फिर शिव ने पूछा कि वह क्या वरदान चाहता है। रावण ने कामना लिंग को लंका द्वीप पर ले जाने को कहा और शिव को कैलाश से लंका ले जाने की इच्छा व्यक्त की। शिव रावण के अनुरोध पर सहमत हुए, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि यदि लिंगम को रास्ते में रखा गया तो ये देवता का स्थायी निवास बन जाएगा और इसे कभी भी स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। ये सुनकर कि शिव कैलाश पर्वत पर अपने निवास स्थान से चले गए हैं, दिव्य देवता चिंतित हो गए। उन्होंने विष्णु से समाधान मांगा। विष्णु ने पानी से जुड़े देवता वरुण को आचमन के माध्यम से रावण के पेट में प्रवेश करने के लिए कहा, एक अनुष्ठान जिसमें अपने हाथ की हथेली से पानी पीना शामिल है। आचमन करने के परिणाम स्वरूप रावण लिंगम के साथ लंका के लिए प्रस्थान किया और देवघर के आसपास के क्षेत्र में पेशाब करने की आवश्यकता महसूस की। कहानी में कहा गया है कि विष्णु ने बैजू नाम के एक चरवाहे का रूप लिया। जब रावण पेशाब करने गया तो उसने इस ग्वाले को एक लिंग दिया। वरुण देव की उपस्थिति के कारण रावण को खुद को राहत देने में बहुत लंबा समय लगा। काफी देर तक रावण की प्रतीक्षा करने पर बैजू क्रोधित हो गया। फिर उसने लिंगम को जमीन पर रख दिया और वहां से चला गया। वापस लौटने पर रावण ने लिंगम को उठाने का प्रयास किया, लेकिन अपने प्रयास में असफल रहा। रावण ये जानकर परेशान हो गया कि यह भगवान विष्णु का काम था और जाने से पहले उसने लिंग पर अपना अंगूठा दबाया, जिससे शिवलिंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। तब शिव लिंगम की ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवताओं द्वारा पूजा की गई और उन्होंने बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किया। तब से महादेव ने कामना लिंग के अवतार के रूप में देवघर में निवास किया। सबसे लोकप्रिय किंवदंती कहती है कि यह वह स्थान था जहां लंका का राक्षस राजा रावण रहता था। शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों का बलिदान दिया, फिर सिरों को शिव द्वारा जोड़ दिया गया, जो रावण के वैद्य डॉक्टर के रूप में प्रकट हुए। इसलिए इस स्थान को बैद्यनाथ धाम या वैद्यनाथ कहा जाता है। संयोग से रावण शिव के सबसे महान भक्तों में से एक था। वो एक महान विद्वान थे, सभी कलाओं में भी निपुण थे। एक बार उसने अपने ही हाथों से अपना सीना फाड़ डाला, उसकी कुछ नसों को निकालकर उसके पैरों से इस तरह जोड़ दिया कि इससे गहराई पैदा हो गई, जिससे वीणा जैसा गुंजायमान संगीत वाद्य यंत्र तैयार हुआ। इसके बाद उन्होंने शिव की प्रशंसा में गाना गाते हुए उसे बजाया। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में पूजा करने वालों को सुखी समृद्ध जीवन और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद मिलता है। भक्त इस पवित्र पूजा स्थल पर विशेष रूप से वार्षिक मेले के दौरान उमड़ते हैं। यह मानसून के मौसम जुलाई अगस्त के दौरान आयोजित किया जाता है। कुछ लोग महाराष्ट्र के पराली वैद्यनाथ मंदिर को ज्योतिर्लिंगों में से एक मानते हैं। यह मंदिर भी सैकड़ों भक्तों को आकर्षित करता है। ऐसा माना जाता है कि इसका पुनर्निर्माण रानी अहिल्या ने करवाया था 1776 में बाई पर्वत श्रृंखला मेरू या नाग नारायण की ढलान पर। प्राचीन गांव पराली को कांतिपुर, जयंती, वैजंती और मध्यरेखा सहित अन्य नामों से भी जाना जाता है। हरिहर तीर्थ की उपस्थिति के कारण पराली वैष्णवों को आकर्षित करती है, जो एक समर्पित मंदिर है भगवान विष्णु की पूजा के लिए। किंवदंती है कि समुद्र मंथन प्रकरण के दौरान समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए, जिनमें अमृत, अमरता का अमृत और धन्वंतरी भी शामिल थे, विष्णु दिव्य चिकित्सक के रूप में। जैसे ही राक्षस अमृत को हड़पने वाले थे, विष्णु इसे लेने में कामयाब रहे और उन्हें एक शिवलिंग के अंदर छिपा दिया। जब राक्षसों ने तोड़ने की कोशिश की लिंग को खोला तो उसमें से एक तेज रोशनी निकली। इससे राक्षस डर गए और भाग गए। तभी से यह स्थान वैजंती अर्थात विजय स्थल के नाम से जाना जाता है। पराली का अनोखा छोटा सा गांव महाशिवरात्रि, वैकुंठ चतुर्दशी और विजयादशमी जैसे त्योहारों के दौरान जीवंत हो उठता है।
मंदिर के दरवाजे सुबह 4 बजे खुलते हैं और रात 9 बजे बंद हो जाते हैं। दोपहर में विश्राम, जब ये जनता के लिए बंद होता है।